हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया ही होगा। वेल दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे देश में जो गर्मी होती है वो बहुत कम है। जी हाँ, क्योंकि इस दुनिया में और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर भयानक गर्मी पड़ती है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही देशों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जहाँ इतनी गर्मी पड़ती है जिसका कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ का टेम्परेचर आपका दिमाग घुमा देगा। तो चलिए आज हम आपको कुछ ऐसे ही देशों के बारे में जानकारी देते हैं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई शहर हैं जहां बहुत ही अधिक गर्मी पड़ती है। जी हाँ, हमें मालूम है कि आपको अधिक गर्मी का मौसम पसंद नहीं है, लेकिन आपको ये भी तो सोचना चाहिए कि जिस देश और शहर में दुनिया की सबसे अधिक गर्मी पड़ती है वहां के लोग कैसे रहते होंगे। अक्सर आप कई लेखों में पढ़ते होंगे कि अच्छा, इस शहर में सबसे अधिक ठंड पड़ती है, उस शहर में नहीं। लेकिन आपको ये भी जानकारी रखना चाहिए कि दुनिया के कौन से देश में और किस शहर में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। नंबर एक पर आता है दश्त ए लुत ईरान। शायद आप जान के कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान के दश्त ए लुत शहर को दुनिया का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। कहा जाता है यहाँ साल 2005 में अधिकतम तापमान लगभग 70.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। आपको ये बता दें कि ईरान खाड़ी देशों में आता है। यहाँ के बारे में एक ही बात कही जाती है कि जो इस जगह पर रहता है वो बचता नहीं है। आप खुद ही समझिए कि कैसे कोई यहाँ पर जिंदा रह सकता है। बड़ी कमाल की बात है कि हम अपने देश की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ देखिए कि कितनी गर्मी पड़ती है। वाकई में ऐसे जगह पर रहना मौत को दावत देने जैसा ही है। भाई लोग, आप भी बचकर रहिएगा। नंबर दो, डानाकिल इथियोपिया। अफ्रीकी देश इथियोपिया के डानाकिल शहर को भी दुनिया के सबसे गर्म प्रदेशों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ सालों भर औसत तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है। इस जगह के बारे में ये भी कहा जाता है कि यह धरती पर सबसे नीची जगह है। ये भी कहा जाता है कि इतनी गर्मी पड़ने के बाद भी यहाँ हजारों लोग रहते हैं। कहा जाता है कि इस जगह पर कुछ भी नहीं उगता है। यहाँ की हालत बहुत खराब है। कहते हैं कि इस जगह पर जो रहता है वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाता। वाकई में यहाँ रहना अपनी मौत को दावत देने के बराबर ही है। वैसे आपको बता दें कि इथियोपिया देश में ही भयानक गर्मी पड़ती है। नंबर तीन, वादी हल्फा सूडान। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सालों साल बारिश नहीं होती है। सबसे अधिक गर्मी यहाँ जून के महीने में पड़ती है। इस जगह औसत तापमान लगभग 41 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहता है। दोस्तों, सूडान देश के बारे में किसे नहीं पता। यहाँ की आबादी गर्मी से तो परेशान है ही, साथ ही साथ गरीबी से भी परेशान है। कहते हैं कि इस जगह पर जानवर आज तक नहीं देखे गए, तो इंसान कैसे बच पाएंगे। आप यकीन नहीं करेंगे कि कई बार यहाँ का तापमान 60 के ऊपर चला जाता है। बहुत ही बुरा हाल है इस देश का। यहाँ की गरीबी के बारे में तो सबको पता है ही, लेकिन यहाँ की जनता को भी इसकी जानकारी है कि कैसे इन जगहों पर आपको जिंदा रहना है। ऊपर से इस देश में सबसे ज्यादा पानी की कमी ही कमी है। मौत यहाँ सबका इंतजार करती है। कभी भी और कहीं से भी गर्मी आपको अपने साथ निपटा देगी। नंबर चार, केबली ट्यूनिशिया। ये भी एक अफ्रीकी देश ही है। केबली शहर को रेगिस्तान शहर के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि यहाँ अमूमन 40 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यहाँ रिकॉर्ड तापमान 55 डिग्री सेल्सियस रहा है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, सबसे ज्यादा गर्मी अगर कहीं भी पड़ती है तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप में हर जगह ही आपको भयानक गर्मी पड़ते हुए दिखाई देगी। कहते हैं कि इस देश में गर्मी की वजह से हर साल कई सारे लोगों की जान चली जाती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है कि इस देश के लोगों की परेशानी हद से ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ के लोगों का मानना है कि जैसे तैसे तो ये जी रहे हैं, लेकिन जिंदा रहना यहाँ बहुत मुश्किल है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इस देश में कई सारे ऐसे जानवर भी हैं जो कि गर्मी को झेलना जानते हैं। तभी तो इन्हें पता है कि कैसे अपनी जान बचाई जाती है। नंबर पांच, अल अजीजिया लीबिया। इस जगह के बारे में कहा जाता है कि एक समय में ये भी दुनिया का सबसे गर्म प्रदेश हुआ करता था, लेकिन साल 2012 में इस शहर के बारे में बताया गया कि अब यहाँ उतनी गर्मी नहीं पड़ती है जितना बोला जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ कुछ साल पहले ही 58 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था। दोस्तों, कहा जाता है कि लीबिया में गर्मी की वजह से हर साल कम से कम 5 से 6 हजार लोगों की मौत होती है। जी हाँ, आप समझिए कि यहाँ की हालत क्या होगी। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर लोग रहना नहीं चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में रहते हैं। यहाँ भयानक गर्मी पड़ती है, हर तरफ सूखा रहता है, हर तरफ मौत ही मौत दिखाई देती है। यहाँ के लोगों को पता है कि गर्मी की वजह से कई बार उनकी जान भी जा सकती है। सबसे खतरनाक चीज ये है कि यहाँ के लोग पानी भी ज्यादा नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से और भी ज्यादा यहाँ की हालत खराब हो गई है। नंबर छह, डेथ वैली कैलिफोर्निया। धरती पर दुनिया की सबसे ज्यादा गर्म जगहों में कैलिफोर्निया की डेथ वैली शामिल है। यहाँ पर तापमान बहुत अधिक रहता है। 10 जुलाई 1913 में यहाँ का अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड बना था।
उस समय डेथ वैली के फर्नेस क्रीक नाम के स्थान पर अधिकतम तापमान 56.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। फिलहाल यहां पर 37 से 40 डिग्री के बीच तापमान दर्ज किया जा रहा है। यहां पर गर्मी की कई वजहें हैं, जिनमें सूरज की गर्मी, घाटी में गर्म हवाओं का फंस जाना शामिल है। इसके अलावा आसपास रेगिस्तान मौजूद हैं, जहां से गर्म हवाएं आती हैं। यहां के जलीय स्रोतों से ह्यूमिडिटी निकलती है, इन्हीं वजहों से डेथ वैली में जानलेवा गर्मी पड़ती है। नंबर 7, फ्लेमिंग माउंटेन, चाइना। चीन का फ्लेमिंग माउंटेन टकलामाकेन रेगिस्तान के उत्तरी इलाके में है। शिनजियांग प्रांत के तियान शान में लाल सैंडस्टोन्स की पहाड़ियां स्थित हैं, जिन्हें फ्लेमिंग माउंटेन्स या हुओयान माउंटेन्स भी कहा जाता है। इस पहाड़ की लंबाई 100 किलोमीटर और चौड़ाई 5 से 10 किलोमीटर है। इस इलाके में गर्मी के दिनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बताया जाता है कि साल 2008 में इस इलाके में 66.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की गई है। नंबर 8, लुट, रेगिस्तान, ईरान। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल दस्ते लुट नाम से प्रसिद्ध यह जगह दुनिया का 34वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस रेगिस्तान की लंबाई 480 किलोमीटर और चौड़ाई 320 किलोमीटर है। यहाँ ना कोई पौधा है और ना ही जीव जंतु। नासा ने एक्वा सैटेलाइट से इस रेगिस्तान की सतह का तापमान साल 2003 से 2010 तक मापा था। इस दौरान यहाँ का तापमान 70.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। नंबर 9, सहारा रेगिस्तान, अफ्रीका। दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में अफ्रीका का ये रेगिस्तान शामिल है। यहाँ पर औसतन तापमान 35 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। साल भर में 100 मिलीमीटर से कम यहाँ पर बारिश होती है, जो कि न के बराबर है। सहारा रेगिस्तान में अधिकतम तापमान 58 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया, जबकि सतह का तापमान 76 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। नंबर 10, ल अलजीजिया, लीबिया। लीबिया के उत्तर पश्चिमी इलाके में ल अजीजिया स्थित है, जो जाफरा जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है। ये इलाका गर्मी के लिए जाना जाता है। आमतौर पर यहाँ का उच्चतम तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच दर्ज किया जाता है, लेकिन 13 सितंबर 1922 में 58 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ था। हालांकि बाद में विश्व मौसम संगठन ने साल 2012 में इसको गलत बताया था, क्योंकि उस समय तापमान मापने की सुविधा इस इलाके में नहीं थी। हालांकि इस इलाके में गर्मी अधिक पड़ती है। नंबर 11, सुनरन रेगिस्तान, अमेरिका। ये रेगिस्तान अमेरिका से उत्तरी मैक्सिको तक फैला हुआ है। यहाँ पर जानलेवा गर्मी पड़ती है। इसके अलावा यहाँ कैक्टस के पौधे उगे हैं, जो बेहद खतरनाक हैं। ये रेगिस्तान एरिजोना प्रांत में स्थित है, जहाँ कुछ दुर्लभ जगुआर देखे जाते हैं। यहाँ का औसत तापमान 46.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का ये रोचक वीडियो? अपनी राय हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।